इस वक्त बिग बॉस 18 शो में है विवेन द सेना, जो कि टीवी इंडस्ट्री में कई सीरियल्स में काम कर चुके हैं, आइकॉनिक करेक्टर्स प्ले कर चुके हैं और हमेशा से ही ऑडियंस की नजरों में बने रहे। लेकिन काफी सालों से अभी फिलहाल ये गायब थे और बिग बॉस में वापस आते ही इनकी पॉपुलैरिटी काफी हद तक देखने को मिली। फैंस भी काफी इनके एक्टिव हो गए और साथ ही साथ जोरों शोरों से पीआर का भी काम शुरू हो गया। लेकिन पीआर क्या कर सकता है, हाइप क्रिएट करवा सकता है, ये दिखा सकता है कि ओ माय गॉड ये ऑडियंस बहुत हैप्पी है, बहुत एक्साइटेड है विवेन को शो में देखकर। लेकिन जो दूसरी ओर ट्रोलिंग हो रही है वो देखा जाए तो रियल ऑडियंस की तरफ से हो रही है, जो ये कहते हैं कभी विवेन को कि वो ज्यादा ही इगोइस्टिक है, तो कोई कहता है कि भाई स्माइल ना करे तो ही अच्छा है, उससे देखकर गधे की याद आती है, तो दूसरी ओर कुछ और उनके बारे में कहा जा रहा है कि एक्टिंग कभी किसी शो में की नहीं, बस मुंह हिलाना, डायलॉग बोलना, आंखें बड़ी करना एक्टिंग तो होती नहीं। दूसरी ओर यहां पर विवेन को लेकर ये बातें भी अब होने लगी हैं कि विवेन ने खुद शो में बताया कि उन्होंने कुछ सालों पहले अपना धर्म बदल लिया, वो इस्लाम धर्म को अब कबूल चुके हैं, तो राधे राधे बोलना भी शायद उनके लिए शर्मनाक चीज हो गई है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो बिग बॉस 18 के ग्रैंड लॉन्च पर महाराज अनिरुद्ध आचार्य आए थे, उन्होंने एलिस कौशिक को कहा था कि बोलो राधे राधे, इसलिए सिर्फ उन्हें नहीं तीनों को कहा था, सलमान ने भी कह दिया, एलिस ने भी कह दिया, लेकिन विवेन ने नहीं कहा और वो खुद बिग बॉस के घर में ये कहते हुए नजर आ चुके हैं कि इस्लाम धर्म बदल के उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत चीजें चेंज हो गई उनकी लाइफ में। तो ये लोगों का कहना है कि धर्म बदला है लेकिन दूसरों के लिए रिस्पेक्ट खत्म नहीं होनी चाहिए। जिस धर्म में तुम जन्मे हो, जिसमें तुम्हारी जिंदगी बीती है, उसके लिए आखिर रिस्पेक्ट तुम्हारी कैसे खत्म हो सकती है, और वो भी तुम सनातन धर्म से, जो ये देश है हमारा इंडिया वो हिंदू धर्म का ही है, और यहाँ अगर रहना है तो उसके लिए रिस्पेक्ट दिखाने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे विवेन की इस हरकत पर, आखिर आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बना बिल्कुल भी ना जाएं।